मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इंदौर से महाराष्ट्र के पुणे आ रही बस मध्य प्रदेश के धार में हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए ये बस उफनती नदी नर्मदा में जाकर गिरी है। जानकारी के मुताबिक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया है। घटना सुबह 10 बजे के वक्त हुआ है। शुरुआत में ये जानकारी सामने आ रही है कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है, मगर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि वाकई में ब्रेक फेल होने की वजह की हादसा हुआ है। ये इस हादसे की वजह की जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बस में 50 से 55 लोग सवार थे और ये महाराष्ट्र रोडवेज की बस थी। इस बस में लेडीज, जेंट्स और बच्चे सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन करके करीब 15 लोगों को बचाया गया है, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। और नदी के पानी का बहाव काफ़ी तेज था। कुछ लोग इस बहते हुए पानी में लापता भी हो गए हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन जारी है।